राजपथ सेवा मंडल के द्वारा पिछले 7 वर्षों से छठ पूजा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 2013 में हमारे दिमाग में एक विचार आया कि लोग यहाँ से जुहू और नेशनल पार्क दूर दूर जाते हैं और लोगों को टेम्पू भाड़ा देना पड़ता है, लोगों को खर्च करना पड़ता है, रात भर रुकना पड़ता है, और उसको देखते हुए यहाँ पे जब अजंता यादव नगर सेविका थी तो यहाँ पे पौंड बनाया गया और पौंड बना के किया जा रहा है। लेकिन आज आपने देखा है यहाँ महाराष्ट्र के कलाकार हैं, राजस्थान के कलाकार, उत्तराखंड के हैं, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, एक ही संगम है और जितने सातु कुंड है उसमें सभी नदियों का गंगा जल मिश्रित करके जल। यहाँ पर छठ मैया का पूजा का एक सेकंड प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। और भोजपुरी में मतलब ऐसा लगा कि राजस्थानी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ के राजस्थान के लोग और भोजपुरी, बिहार और महाराष्ट्र के लोग भी बहुत अच्छे मेरे को किया है, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा प्रदान दिया। और मैं यही कहता हूँ छठ मैया सबको और सबको अच्छा आशीर्वाद। पहले तो कांदिवली ईस्ट हनुमान नगर के सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदेश और ये मेरी पार्टनर अंजलि सिंह, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये इधर की जो पब्लिक है बहुत एंजॉय कर रही है और उसके वजह से हम लोग को भी हमारे सॉन्ग्स परफॉर्म्स करने के लिए बहुत एंजॉयमेंट आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी पब्लिक मैंने कभी देखी नहीं। यहाँ की जितनी महिला है जो अजंता मैडम के अंडर में है या उनके टच में है, जो भी महिला है सब अपने आप पर डिफेंड है, सब कोई किसी पर डिफेंड नहीं कि मीन्स कोई हेल्प करेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, हम सब अपने आप पर डिफेंड है, हम लोग औरतें लड़कियाँ जो भी है, लेकिन हम लोग किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बिहार पटना कोई ला सकता था तो अजंता राजपथ यादव, बाकी किसी के माई के लाल में दम नहीं था कि कोई इधर लेके आवे, उन्होंने जो लाया है एक नंबर काम किया है,